नमस्कार मित्रों, स्वागत है तमारू गुजरात खेडूत यूट्यूब चैनल में। आ वीडियो में अपने हवामान विभाग द्वारा गुजरात में वरसाद ने लईने एक मोटी आगाही करवामां आवी छे, तेने लईने समाचार मेळवीशुं। आ साथे जाणीता आगाहीकार अंबालाल पटेल द्वारा पण एक मोटी आगाही करवामां आवी छे, तेने लईने पण आपणे आ वीडियो में माहिती मेळवीशुं। तो वीडियो में आगळ वधीए ते पहेला तमे अमारी चेनल में नवा छो तो चेनल ने नीचे दर्शावेलू लाल कलर नू सब्सक्राइब बटन दबावी चेनल ने जरूर सब्सक्राइब करी लेजो। तो चलो मित्रों, आजनो आ वीडियो शुरू करिए। मित्रों, बात करिए तो गुजरात ना केटलाक जिल्ला में थोड़ा छेल्ला बे दिवस थी सामान्य वरसाद पड़ी रह्यो छे, त्यारे आगामी समय में पण गुजरात में वरसादी वातावरण बनशे तेवी आगाही हाल में करवामां आवी छे। मित्रों, बात करिए तो हवामान विभाग की आगाही प्रमाण गुजरात में हजू पण 3-4 दिवस सुधी वरसादी वातावरण बनवानी शक्यता छे। तो केटलाक विस्तार में सामान्य रीते वरसादी झापटा पड़शे तेवी आगाही पण हाल में हवामान विभागे करी छे। हवामान विभागनी आगाही प्रमाणे खास करीने दक्षिण गुजरात अने सौराष्ट्रना दरियाकांठाना जिल्लामां वरसाद पड़शे, ज्यारे उत्तर गुजरात, मध्य गुजरात अने तेनी आजूबाजूना विस्तारोमां अने जिल्लामां सामान्य रीते वरसादी झापटा अथवा तो वादळછાયું वातावरण बनशे तेवी आगाही हालमां हवामान विभागे करी छे। खास करीने मित्रों, वात करिए तो आगाहीकार अंबालाल पटेले गुजरातमां वरसादनी आगाही करी छे। ते प्रमाणे मित्रों, वात करिए तो अरबी समुद्रमां एक लो प्रेशरनी सिस्टम सक्रिय थई छे। आ वरसादी सिस्टमनी असरना भागरूपे गुजरातना वातावरणमां पलटो आवशे अने खास करीने गुजरातना अनेक विस्तारमां वरसाद पड़ी शके छे। आ बाबते हवामान विभागे पण केटलीक आगाही करी छे। जयरे मित्रों, वात करिए तो आगामी 5 दिवस सुधी गुजरातमां सामान्य रीते वातावरणमां फेरफार थवानी शक्यता छे अने केटलाक विस्तारमां वरसाद पड़शे तेवी शक्यता पण रहेली छे। हवामान विभागनी आगाही प्रमाणे दक्षिण गुजरातना डांग, वलसाड, दमण अने दादरनगर हवेलीमां वरसाद पड़शे, ज्यारे सूरत, तापी, नवसारी अने नर्मदा जिल्लामां पण आगामी समयमां वरसाद पड़ी शके छे। ज्यारे सौराष्ट्रना भावनगरना ग्रामीण विस्तारमां पण छूटो छवાયો वरसाद पड़शે, ज्यारे देवभूमि, द्वारका, राजकोट सहितना વિસ્તારમાં પણ આગામી સમયમાં વરસાદ પડશે તેવી આગાહી હાલમાં હવામાન વિભાગે કરી છે। જો મિત્રો તમને અમારો આ વિડિયો પસંદ આવ્યો હોય તો વિડિયોને લાઈક કરો, તમારા મિત્રો સાથે શેર કરો અને અમારી ચેનલને હજુ સુધી સબસ્ક્રાઇબ ન કરી હોય તો ચેનલને જરૂર સબસ્ક્રાઇબ કરી લેજો।